हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल ही नया डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने तीन कलर का यूज किया है। ये मेरे पास चुन्नी है, तो देखिए चुन्नियों की मैंने इतनी छोटी छोटी पट्टियाँ बनाई हैं। ये आप देख लीजिए एक बार, इतनी छोटी छोटी मैंने पट्टियाँ बनाई हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 8 नंबर के नीडल्स का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अगर आपके पास 7 नंबर की हैं या 8 नंबर की हैं या उससे पतली हैं, 9 नंबर की हैं, ये मोटी नहीं हैं, तो आप थोड़ी सी पतली पट्टी बनाइएगा, उससे भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, फंदे डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही सिंपल तरीके के बताऊँगी। एक हमने यहाँ पर स्लिप नोट बना ली है, ये देखिए एक फंदा हमारा नोट से हो गया। और ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 42 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा बन के ये कंप्लीट होगा। और फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट के दो फंदे हमने उतार लिए। इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ये जो चुन्नी का ये फंदे डालने के बाद बचा, इसको भी हम इसी में लपेट लेंगे। और ये देखिए, पूरी रो हम दो फंदे हमने यहाँ पे आगे के ऐसे ही बिना बने उतार लिए हैं। और ये पूरी रो एंड तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगी उल्टा उल्टा। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, लास्ट में आ गई हूँ मैं बनाती हुई। दो फंदे हम इस साइड छोड़ देंगे। दो हमने स्टार्टिंग में छोड़े थे, तो हम इस साइड छोड़ देंगे और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से भी हम इसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसे ऊपर तक बना लेती हूँ। ये देखिए, पूरी रो मैंने उतार ली सीधी साइड से। दो फंदे हमने जो छोड़ रखे हैं स्टार्टिंग में, उनको हम नहीं बनाएंगे, पलट लेंगे। और दो फंदे देखिए फिर से हम ऐसे बिना बने उतार लेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसमें एक कलर और लगाऊंगी। ये देखिए, इसको हम पट्टी को अंदर दबा देंगे। दोनों साइड से हम इसमें अपना कलर चेंज करते हुए और दोनों साइड से हम इसमें फंदे छोड़ते हुए बीच सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए, पूरी रो में ऊपर तक इसको इसी तरीके से बना के, फंदे बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, इस साइड फिर से हम फंदा छोड़ देंगे दो। ये देखिए, चार हमारे इस साइड ब्लैक के हो गए और चार हमारे इस साइड ब्लैक के हो गए। अब देखिए, पलट लेंगे और राइट साइड से इस रो को मैं इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, दो फंदे इस बार हमने रेड के छोड़ दिए, पलट जाएंगे। और इस साइड से मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप दूसरी पट्टी लगाओगे तो इस तरीके से आप दूसरी पट्टी इसमें लगाइएगा। जब भी हम साड़ी और चुन्नी से बनाते हैं तो हम नोट नहीं लगाते, इसी तरीके से हम अपना जॉइंट लगा लेते हैं। ये देखिए, तो एक कलर की फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चार रो बनाऊंगी। तो दूसरी साइड में इसे बनाती हुई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, पलट लेंगे। राइट साइड से भी मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, जब हम चार रो बनाते हैं तो हमारी ये दो लाइन बन जाएंगी। तो मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, फिर से हम, देखिए दो लाइन मेरी इसकी होगी। फिर से हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो देखिए, दो फंदे फिर से छूट गए। एक के कलर के फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे चार चार फंदे छूट जाएंगे। ये देखिए, इस बार मैं
ये ब्लैक से बना लूँगी। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड से फंदे छोड़ते हुए इस बार जब ये ब्लैक बना के लेके आएंगे तो हम ये रेड के दो फंदे छोड़ेंगे, तो चार हमारे रेड के हो जाएंगे। फिर जब हम इसकी चार रो बना लेंगे ब्लैक की, फिर हम दूसरा कलर लगा लेंगे रेड वाला। तो इसी तरीके से मैं बीच सेंटर में आ जाती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। देखिए दोनों साइड से हमारे चार चार फंदे एक कलर के छूटे हुए हैं। तो देखिए इस साइड भी मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे हमारे ये छूटे हुए हैं। और फ्रेंड्स इस साइड भी हमारे ये इसी तरीके से 10 फंदे छूटे हुए हैं, 20 फंदे हमारे ये हो गए। और ये देखिए बीच में हमारे ये फंदे दो बचे हुए हैं, सॉरी ये इस साइड उतारेंगे तो ये हमारे 20 फंदे हो गए, और ये 20 फंदे और ये हमारे दो फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो देखना बिल्कुल हमने बराबर इसमें फंदे कर लिए हैं, ये दो फंदे मैंने इस साइड उतार लिए हैं, और ये इस साइड के 22 फंदों पे हम दूसरा कलर लगा लेंगे। ये हमारी बैक साइड है, इसी साइड से हम दूसरा कलर इसमें ऐड कर लेंगे। अभी इन फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे, कोई भी आप यहाँ पे कलर लगाइएगा। ये देखिए बैक साइड से भी हम इसको बहुत सफाई के साथ बनाएंगे। ये देखिए सारी पट्टी मैंने नीचे दबा दी है, बिल्कुल भी देखिए कोई भी इसमें नोट आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत सफाई के साथ हमारा ये बनके कंप्लीट होता है। ये देखिए कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर बीच में फ्लावर बनाएंगे, उसमें हार्ट की शेप देंगे। बहुत सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स, और चुन्नी से तो ये काफ़ी बड़ा बनके ये कम्प्लीट होगा। अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप 42 फंदे डाल के बना सकते हैं। ये देखिए लास्ट तक हम इसे बना लेंगे। ये देखिए कलर हमने इसमें सेट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए लपेट लिया और हमारा एक यहाँ पर फंदा बढ़ गया। ऐसे भी बढ़ा सकते हो और एक फंदे से दो फंदे भी आप बना सकते हो, वो भी मैं अगली रो में आपको बता दूंगी। एक फंदा बढ़ा लिया और पीछे हम दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए पूरी मैंने आपको रो उतार के दिखा दी है, ये दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस साइड से भी उल्टा उल्टा मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पलट लेंगे। एक तरीका और बताऊंगी फ्रेंड्स मैं फंदा बढ़ाने का। देखिए फर्स्ट वाला हम उतार लेंगे और यहाँ से ये देखिए हमने एक बार बना दिया, पट्टी को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम एक बार और बना देंगे। ऐसे भी आप फंदा बढ़ा सकते हो। ये दूसरा फंदा हमने बढ़ा लिया, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और ये रो पूरी बना देंगे और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ और पीछे हम 10 फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊँगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारी लाइन बन गई हैं। ये एक लाइन जब बनती फ्रेंड्स हम दो रो उतारते हैं, और ये देखिए पीछे 1 2 3 4 5 ये हमारे पीछे 10 फंदे छूट गए हैं, ये हमारे ऊपर 5 फंदे बढ़ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाला उतार लेंगे, फिर से हम दो का एक करेंगे। एक फंदा हमने घटा दिया, पीछे हम अभी इसी तरीके से फंदे छोड़ेंगे, जो बचे हुए हैं उनको भी हम छोड़ लेंगे। दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं बैक साइड से इस रो को मैं बना के
कंप्लीट करूँगी। अब फिर से देखिए, ये हमने दूसरा फंदा घटा दिया। जितने भी आप फ्रेंड्स यहाँ पे फंदे बढ़ाओ, 6 बढ़ाओ या 5 बढ़ाओ या 4 बढ़ाओ, उतने ही फंदे फिर आपने कम करने हैं। और फिर से हम दो फंदे पीछे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 फंदे और बचे हुए हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से यहाँ से घटा दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। और ये पीछे हम फंदे सारे छोड़ देंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दो दो करके हमने सारे ही फंदे ऊपर तक छोड़ लिए हैं। 5 फंदे हमने बढ़ाए थे, फिर हमने ये घटा लिए। ये देखिए, ये हाफ हमारा हार्ट बन गया है। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, एक बार हम नीचे तक ये सारे ही फंदे बना लेंगे। जितना भी फ्रेंड्स आप बनाओ, उसके हाफ फंदे पे हम ऊपर ये हार्ट बनाएंगे। और फिर एक बार आपने फंदे बढ़ाने हैं, फिर घटाने हैं, और फिर आपने ये नीचे तक सारे ही फंदे एक बार बना लेने हैं। दोबारा फिर से हम एक बार इसको रिपीट करेंगे, इसी डिज़ाइन को सेम। फिर ये हमारा ऊपर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातों का आप इसमें ध्यान रखिएगा। बहुत सफाई के साथ ये बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक फंदा इसमें यहाँ पे छोड़ दूँगी। अगर हम इसको भी बना लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बीच में गैप बन जाएगा। तो एक फंदा मैंने इसमें छोड़ दिया है। इस साइड से भी इस रो को मैं बना के कम्प्लीट करूँगी। ये देखिए, सारे फंदे हमने बना लिए हैं। अब देखिए, फिर से हमने फंदा बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमारी ये चेन सी बनती जाएगी। एक फंदे का एक बार हमने बनाया, पट्टी को पीछे करेंगे, इसको हम एक बार और बना देंगे। अंदर से ही मैंने फंदा बढ़ाया और अंदर से ही मैंने फंदे घटाए हैं। तो देखिए, ऐसे सफाई के साथ आपका ये बन के कम्प्लीट होगा। अब देखिए, एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है। ध्यान से देखिए, सेम जैसे हमने नीचे बनाया था, इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने पहले छोड़ रखा था, एक फंदा मैं और छोड़ दूंगी। इस बार हम ये एक फंदा छोड़ेंगे, हमारे पास पहले था तो हमारे ये दो हो गई। अब हर बार हम यहाँ पे दो फंदे छोड़ेंगे। एक फंदा मैं यहाँ बढ़ाऊँगी और दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। तो मैं इसमें 4 फंदे फिर से बढ़ा लेती हूँ। एक बढ़ा लिया, 4 और मैं यहाँ पर बढ़ा लेती हूँ, और पीछे हमारे 10 फंदे छूट जाएंगे। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए, फिर से मैंने यहाँ पे 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। और ये देखिए, हमारी शेप भी दिखाई देने लग गई है। और पीछे हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक 10 फंदे छोड़ दिए हैं। आगे के फंदे बचे हुए हैं, और ये हमारे आगे यहाँ पे बढ़े हुए फंदे हैं। तो अब देखिए, फिर से हम इनको घटाएंगे, 2 का 1 कर दिया। इसी तरीके से हम इसमें 4 फंदे और घटा लेंगे, और पीछे हम अपने दो दो फंदे जैसे छोड़ते आए हैं, इसी तरीके से छोड़ेंगे। सेम नीचे की तरह करना है, लेकिन फिर भी मैंने फ्रेंड्स आपको बीच में ये दिखा दिया है, फंदे बढ़ाने के बाद। और अब हमने यहाँ पे घटाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं इसी तरीके से इसमें 4 फंदे और घटा लेती हूँ, और पीछे हम ये फंदे दो दो करके छोड़ लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये ऊपर हार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। ये नीचे हमारी कली है। अब देखिए, अब हम ये इस कलर से जितने फंदे हमने दो दो करके छोड़ रखे हैं, वो हम ये सारे ही बना लेंगे। इसी तरीके से आपने बनाना है। एक पत्ती बनानी है, नीचे पत्ती भी बोल सकते हो, कली भी बोल सकती है, बोल सकते हो। उसके ऊपर फिर हमने ये हार्ट की शेप बनानी है, और फिर से अपने अगली कली की स्टार्टिंग कर देनी है।
ये कली में आप अलग अलग कलर भी लगा सकते हो, जितने चाहो मर्जी आप इसमें कलर लगा सकते हो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आगे हमारे पास ये फंदे हैं, तो हम इनको कैसे बनाएंगे, इसको हम पीछे कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये सीधी साइड की हमारी ये रो है, और हम जो जिस कलर का है हम उसी कलर को आगे लेके आएंगे, और ये हम इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, ये हम आगे रेड से बना देंगे दो फंदे। ध्यान से देखिए, फिर हम पीछे कर देंगे, और पीछे हमारा ब्लैक है तो हम ब्लैक को आगे ले आएंगे, और ये हम चार फंदे ब्लैक से बना देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी सीधी साइड की रो है। अगर हम इसको दूसरे कलर से बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, सॉरी, चार फंदे हैं ये ब्लैक से, तो मैं चार ब्लैक से बना दूँगी। आगे हमारे रेड के हैं, तो हम रेड पट्टी को हम आगे लेके आएंगे। जो जिस कलर का होगा आपने उसी कलर से इसको बनाना है। इस तरीके से आपका जो भी कोई कलर हो, हम ऐसे ही कलर चेंज करते जाएंगे। देखिए, सीधी साइड से आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। क्योंकि हमने अपने दोनों कलर लेके बिल्कुल किनारे तक आना है। ये देखिए, अब हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हमारा वही कलर हमारे लगे हैं जो हमारे थे। अब देखिए, बैक साइड से हम ये सारे ही कलर, आप दूसरे कलर की स्टार्टिंग करेंगे, जैसे हमने नीचे ब्लैक की थी, तो अब हम ये सारे ही फंदे ब्लैक से बना लेंगे। दूसरा भी कलर यहाँ आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी कलर आप लगाइए, लेकिन जब भी आप यहाँ पे लगाओगे तो बैक साइड से ही आपने कलर चेंज करना है। देखिए, सारे ही फंदे मैं ब्लैक कलर से बना लूँगी। एक बार देख लीजिए, अगली कली की स्टार्टिंग करके देऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, ताकि आपको बनाने में कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। और आगे के फंदे भी अब हम ये इसको ऐसे टाइट कर देंगे, और हम ये ब्लैक से ही बनाएंगे। इसको आप टाइट करके आप इसको काट दीजिए, और यहाँ पे आप इसको पक्का कर दीजिए इस पट्टी को, क्योंकि जब हम अगला फ्लावर बनाएंगे तो हम उसमें दूसरी पट्टी लगा लेंगे। और अगर आप इसको ही लेके चलो तो बैक साइड से आप इसको ऊपर आपको लेके जानी पड़ेगी। तो इस रो को मैं ब्लैक ब्लैक बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, सारे ही फंदे मैंने एक कलर के बना लिए हैं। ये देखिए, हम दूसरी कली की स्टार्टिंग करेंगे, यहीं से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे मैंने उतार लिए, इससे क्या होगा, हमारे कली की शेप अच्छी आएगी, क्योंकि जैसे ही हमारा ये फ्लावर ख़त्म हुआ, यहीं से हमारी कली स्टार्टिंग हो जाएगी। देखिए, ऐसी हमारी ये इसकी पैनी पैनी शेप आएगी। तो दो फंदे हमने यहाँ पर छोड़ लिए हैं, और पूरी रो मैं इसी तरीके से उस साइड तक लेके जाऊंगी बना के। दो हम इस साइड छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को भी मैं ब्लैक पट्टी से ही बनाऊंगी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और दो फंदे हम फिर से इस साइड छोड़ देंगे। और फिर जब अगली बार इस साइड आएंगे बैक साइड, तो मैं इसमें रेड पट्टी लगा लूँगी। इसी तरीके से जैसे हमने नीचे वाली ये बनाई है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ऊपर बनाएंगे, और उसके बाद बनाने के बाद फिर आपने बीच में ही ऐसे ये हार्ट की शेप का ये फ्लावर बना लेना है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद, पूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लुक कैसी आई है। तो मैं इसे बना लेती हूँ।
आप भी बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। 10 कली में ये बन के कम्प्लीट हुआ है, आपके सामने है, काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट हुआ है। मैंने काफ़ी ऊपर से इसको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप बीच में फ्लावर मत लगाइए। मैंने पूजा का आसन बनाया है, इसमें मैंने बीच में फ्लावर नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।